हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गमले के अंदर मक्के का पौधा कैसे लगाएं और पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा। वीडियो पूरा देखना, वीडियो स्किप ना करें, पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी जिसके अंदर आपको गमले के अंदर कैसे लगाना है, क्या फर्टिलाइज़र देना है और पूरा अपडेटेड वीडियो है ये, इसलिए वीडियो पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। ये देखिए, मैं सीड सोप से खाद बीज भंडार की दुकान से 10 रुपये के बीज लेके आया था। उन्होंने अच्छी क्वालिटी के बीज थे, बड़ा वाला पैकेट था जो उनका 2 किलो 5 किलो का पैकेट होता है जो किसान लोग अपने खेतों में लगाते हैं, उसमें से मेरे को निकाल के दिए थे। ये मक्के के बीज हैं, इनके ऊपर एक कोट फंजीसाइड पाउडर की चढ़ाई हुई है जिससे कि ये अपन मिट्टी में लगाएं तो उनको कोई फंगस वगैरह का खतरा नहीं रहे। सबसे बढ़िया काम आपको यही करना है कि आप अच्छे बीज लें, किसी अच्छे सीड सोप से लें और 10 रुपये के अंदर ही काफ़ी सारे बीज आ जाते हैं। ये देखिए, मैंने ले लिए हैं। इनको करना क्या आपको कि करीब 10-12 घंटे या ओवरनाइट आप इनको पानी में भिगो दीजिए। ये मैं इनको रात के समय भिगो के रख रहा हूँ और दूसरे दिन इनको लगाऊंगा। ज़्यादा बीज नहीं भिगो रहा हूँ क्योंकि मैं करीब 8-10 गमले ही तैयार कर पाऊँगा। ये देख लिए मैंने बीज को, भीग गए हैं ये सारे बीज और इनकी जो नॉर्मल साइज़ होती है उससे ये थोड़े मोटे हो गए हैं। इन्होंने पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। ये मैंने पूरे गमले तैयार कर रखे हैं, सारे मेरे 12 इंच के गमले हैं, एक बड़ा गमला 14 इंच का भी है। पोटिंग मिक्स वही आप बढ़िया तैयार कीजिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। मैंने इसके अंदर गोबर की खाद डाली है और गार्डन सोइल डाली है। खाद की मात्रा आप ज़्यादा डालें, इसके अंदर 40% के करीब डालें। और ये मेरा पूरा का पूरा सुखाया हुआ मिक्सर था, इस वजह से मैंने इसके अंदर वाटरिंग पहले कर दी है और अब मैं इनको सीड लगा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और ये ज़्यादा गहराई में नहीं डालें बीज, बिल्कुल अपने उंगली की सहायता से आप हल्का सा गड्ढा बना लीजिए, उसके अंदर एक एक दो दो तीन तीन बीज एक एक गमले में डाल दीजिए। बाकी अपने को पौधा एक ही रखना है, लेकिन अपन 2-3 बीज इस वजह से डाल रखे हैं कि क्या पता कोई बीज उगे या नहीं उगे। बाकी 99% ये सारे के सारे बीज जर्मिनेट होते हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी के बीज लेके आया हूँ मैं। तो आप भी बीज का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें, अच्छी क्वालिटी के बीज लाएँ। ये मैं इन सभी गमलों के अंदर 3-3, 4-4 बीज डाल रहा हूँ। जब ये सारे जर्मिनेशन हो जाएगा इनका, उनके बाद क्या करूँगा मैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट जो ग्रो करेंगे इनमें वो मैं इनको निकाल दूंगा। ये देखिए, 3 दिन बाद के अंदर मेरे सारे के सारे जितने मैंने बीज लगाए थे पूरा 100% रिजल्ट मिला है, सब के सब मेरे उग गए हैं और कुछ उग रहे हैं अभी भी। लेकिन भिगोने का ये फ़ायदा है कि आपके तीसरे दिन ही प्लांट निकल जाएंगे। तो ये देखिए, ये सारे के सारे बीज उग गए हैं। तो बस ये एक बिल्कुल आसान सा तरीका है। अब मैंने सभी के अंदर एक एक प्लांट रखा है और इनको इन्हीं के अंदर बड़ा होने दूंगा। मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बनाए रखूंगा और हर 25 दिन के अंतराल पर थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर